हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विहान। आखिर क्या मजाक था? जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी लाइन है जो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा ट्रेंड आज कर रही है कि HPSSC ये कैसा मजाक था। दोस्तों, जिनके सपने इस एग्जाम से जुड़े हुए थे, जिनकी मेहनत इस एग्जाम से जुड़ी हुई थी, जिन्होंने जॉब करके इस एग्जाम की तैयारी की, क्योंकि COVID-19 के बाद यानी कि लॉकडाउन के बाद अगर कोई पोस्ट की होप लोगों में दिखी थी, वो पोस्ट कौन सी थी? जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, पोस्ट कोड 817। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई, लोग घरों में आए और उनको एक उम्मीद की किरण, जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी लाइन होती है उम्मीद की किरण, यानी कि उनको एक होप दिखी कि हाँ, अगर हम मेहनत करेंगे तो हम इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो हमें बोलते हैं, सर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, हमारी फैमिली प्रॉब्लम है, हमारे पास इतना खर्च नहीं है, लेकिन हमें ये नौकरी चाहिए। उन स्टूडेंट्स के अंदर एक स्पिरिट होती है कि हमने कुछ करना है, एक जज्बा होता है, लेकिन क्या हो अगर उस जज्बे के ऊपर चोट कर दी जाए, उस जज्बे और उस हिम्मत को तोड़ दिया जाए। कुछ ऐसा ही हुआ है। क्या हुआ है? एक प्लस टू वाला लेवल, लेकिन सिलेबस कौन सा? प्रोग्रामिंग, MCA, PGDCA, BTech, कंप्यूटर साइंस, इस टाइप का लेवल। तो यानी कि मंशा जो थी वो बिल्कुल साफ थी कि हमें इंजीनियर ही चाहिए, यानी कि हमें लो लेवल नहीं चाहिए। मैं कट ऑफ के ऊपर भी आऊँगा, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, बहुत सारे ट्रेंड्स हुए कि मेहनत तो की थी लेकिन पेपर आउट ऑफ था। कौन सी बुक से ये आखिर पेपर आया था? हमने पढ़ा कुछ और पेपर कुछ और। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें भी बोला कि आपने जो करवाया वो नहीं आया। औरों के जितने भी टीचर्स हैं, क्योंकि सभी टीचर्स बेस्ट ही करवाते हैं, याद रखना ये बात, ठीक है? चाहे आपने किसी की भी बुक्स रीड की, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किसी की बुक्स को गलत बोला कि नहीं आया। देखिए दोस्तों, कंटेंट हमेशा सही होता है, ठीक है? एक बात याद रखना, अगर टीचर्स आपके लिए मेहनत कर रहा है, मेहनत करवा रहा है। दोस्तों, अगर हमें पता होता कि प्रोग्रामिंग, SQL, आपकी MS Word लैंग्वेज ये बिल्कुल डीप आता, तो क्या हम आपको नहीं करवाते? बिल्कुल करवाते हैं। अगर हमें ये बोला गया था कि प्लस टू लेवल रहेगा, बेसिक से लेकर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल जाएगा, लेकिन कितने क्वेश्चंस मॉडरेट और डिफिकल्ट हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 15-20, इतना ही होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 25 लेकर चलो, लेकिन बाकी तो आपके पास 100 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है, तो यानी कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर क्वेश्चंस पेपर ही टफ हो जाए? एक टफ होते, एक टफ नाम की चीज़ होती है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस एक अलग चीज़ होती है। यानी कि मान लो अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, 10th का आपका एग्ज़ाम है, मान लो कि आपका 10th का पेपर है, क्या हो अगर आपको प्लस टू का पेपर डाल दिया जाए? ऑब्वियसली सी बात है, फेल हो जाओगे, बुरा लगेगा, वेस्ट हो जाएगा टाइम, मेहनत बर्बाद हो जाएगी, ऐसा ही कुछ होगा। तो आपके साथ भी इस पेपर में ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक बात याद रख लेना। क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों, आपने जितनी मेहनत इस एग्ज़ाम के लिए की है, यानी कि आपका बेसिक तो बिल्कुल क्लियर होके चल जा चुका है, ठीक है? यानी कि आपका बेसिक तो क्लियर हुआ है, अब आपके पास थोड़ा सा और डीपली अगर आप स्टडी कर लेते हैं, तो यानी कि आप कंप्यूटर में परफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर एक परफेक्ट नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर काफ़ी वास्ट है दोस्तों। आप इसमें जितना स्टडी करोगे, आपके पास उतने ज़्यादा कंसेप्ट आते जाएंगे, MCQs आते जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं। अगर आप ये सोचकर चलो कि हाँ, यहाँ पर कंप्यूटर स्टॉप होता है और आज मैं बिल्कुल कंप्यूटर का मास्टर बन गया हूँ, ठीक है? दोस्तों,
अगर मैं अपनी बात करूं, कंप्यूटर बीटेक साइंस हूं, CCNA सिस्को सर्टिफाइड हूं, अगर मैं अपनी बात करूं। लेकिन क्या एग्ज़ाम ये प्लस टू लेवल का था? नहीं था। ठीक है, मैं आपको एक बात और क्लियर कर रहा हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कट ऑफ जो है वो डाउन रहेगी। कितनी रहेगी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन किसी भी टीचर्स को, किसी भी बुक्स को और किसी भी कंटेंट को गलत नहीं बोलना है। क्लियर है? क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि गलती हम लोगों की नहीं है, क्योंकि जितना हमें बताया गया था, जितना हमारा एनालाइज था, MCQs थे, हाइलाइटेड थे, रिपीटेड क्वेश्चंस थे, MCQ सीरीज थी, मॉक टेस्ट थे, हमने तो वही चीज़ करवाई जो प्रीवियस एनालाइज के तौर पर थी। अगर हमें ये बात क्लियर होती कि प्रोग्रामिंग आएगी भाई, SQL आएगा, डीपली आएगा, वर्ड आएगा, डीपली आएगा, एक्सेल आएगा, डीपली आएगा, तो क्या हम करवाते? नहीं, बिल्कुल करवाते। अगर हम वही चीज़ अगर हम आपको पहले करवा देते तो आप लोग बोलते कि सर इतना डीपली क्यों करवा रहे हैं, बेसिक आएगा, प्लस टू लेवल आएगा, ऐसा कुछ होता, राइट? ध्यान से सुनिए इन सारी बातों को। मेहनत आपने की है, मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं जाएगी, क्योंकि आपके पास डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पढ़ा हुआ है, आपके पास HPU का एग्ज़ाम पढ़ा हुआ है जो आपके अभी होने हैं, आपके पास पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो आपके पास ये चांसेस हैं कि आप इन एग्ज़ाम को टैकल कर सकते हैं। मेहनत छोड़नी नहीं है, ठीक है? तो जैसे कि आप सभी को क्लियर था, 170 क्वेश्चंस थे, 50 क्वेश्चंस HPGK के हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे क्वेश्चंस की वेटेज इकट्ठी थी। 15 क्वेश्चंस सी लैंग्वेज, इनके लैंग्वेज टाइप के थे, 15 MS वर्ड, 20 MS एक्सेल, 15 HTML, SQL, प्रोग्रामिंग, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस की वेटेज आपके एग्जाम में देखने को मिली है। और कुछ क्वेश्चंस आंसर की में शायद गलत भी हैं, जो ऑफिशियल आंसर की आई है, मे बी 2-3 क्वेश्चंस गलत हैं। डिपार्टमेंट को अवगत जरूर करवाएंगे, पर्सनली जाएंगे या फिर बाय पोस्ट सेंड करेंगे, क्योंकि आपका भी हित है इसमें, ठीक है? अगर आपके क्वेश्चंस, क्योंकि आपको भी पॉइंट मिलेंगे, तो आपके लिए तो हम जाएंगे, क्योंकि आपके लिए तो मेहनत करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन घबराना किसी ने नहीं है, डिप्रेशंस में किसी ने नहीं जाना है, ठीक है? मौका छूटा नहीं है, बर्बाद कुछ नहीं हुआ है, आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं। 1869 पोस्टें हैं, इन टू 10 करके कम से कम 18,000 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पर टाइपिंग के लिए होंगे, अपीयर होंगे, तो यानी कि गलत कुछ नहीं हुआ है आपके साथ, ठीक है? थोड़ा सा स्कोर बोर्ड अगर कम भी है तो कोई बात नहीं, जब हम अभी कट ऑफ देखेंगे, अभी हम कितनी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि कट ऑफ जो है वो कम से कम 10 डिस्ट्रिक्ट में की गई है, कम से कम 50,000 प्लस स्टूडेंट्स इसमें, इस कट ऑफ में रहे हैं। और हमारे साथ मीडिया पार्टनर देवभूमि मिरर हमारे साथ इस कट ऑफ में हिस्सेदारी है। तो दोस्तों, कट ऑफ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन एक और बात, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे फीडबैक भी थे कि डिप्रेशन में है स्टूडेंट्स, डिप्रेशन में नहीं जाना है भाई, ठीक है? मेहनत करनी है और अगला स्टेप लेना है, क्लियर है? कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, अगर आपका कट ऑफ इतना रह रहा है तो आप अपीयर कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, 41-45, इनकी 41 लास्ट लेकर चलना, ठीक है? 41 बन रहा है तो टाइपिंग की तैयारी शुरू करो, क्लियर? OBC 36-40 लास्ट, 37-38 के बीच में आ रहा है OBC, टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दो, ठीक है? अगर आपके पास कोई भी और डाउट्स है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, व्हाट्सएप कर लेना, नंबर 9459840992, ठीक है? ये व्हाट्सएप HPGK की ऑफिशियल टीम का, यहाँ पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए, किसी के भी रिगार्डिंग, ठीक है? SC के 32-35 अगर आपके बन रहे हैं, बिना बेझिझक टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दो, ठीक है? ST के 31-33 इन बिटवीन टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दो।
अगर हम 50 पोस्ट कोड 50 556 की बात करें, जो आज से 2-3 साल पहले हुआ था एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम अपने आप में ही अलग था, क्योंकि इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस की जो वेटेज थी बहुत कम थी, नाम मात्र। जीके की इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज थी, लेकिन फिर भी आप इन प्रेडिक्शंस को देख सकते हैं, सॉरी प्रेडिक्शंस नहीं है, बिल्कुल फाइनल कट ऑफ है ये, ठीक है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, और 400 कुछ पोस्टें थी, आई थिंक, इतना माइंड में नहीं है कि अभी कितनी पोस्टें थी, लेकिन 400-500 इन बिटवीन पोस्टें थी इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्लियर है कि 1869 पोस्ट हैं, तो ये जो कट ऑफ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, कम से कम 50,000 स्टूडेंट्स के ऊपर ये कट ऑफ हुई है, उनके फीडबैक हुए हैं। इस कट ऑफ में मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, इस कट ऑफ में MCA, PhD, PGDCA, BCA, BTech कंप्यूटर साइंस, +2 नॉर्मल के कैंडिडेट इसमें शामिल रहे हैं, ठीक है। MCA स्टूडेंट्स का भी फीडबैक इसमें है, लेकिन एक और बात, जिन्होंने अभी हाल ही में ये सारी चीज़ें क्लियर की हैं, चाहे मैं MCA की बात करूं, BTech कंप्यूटर साइंस की बात करूं, BCA की बात करूं, तो उनको थोड़ा सा एडवांटेज हुआ है। और साथ में किनको एडवांटेज हुआ है, जैसे कि अगर हम अपने ही फ्रेंड सर्कल की बात करें या फिर स्टूडेंट्स की बात करें, जितने भी हमारे साथ कनेक्टेड थे, जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते थे, जिनका काम प्रोग्रामिंग के ऊपर था, जिनका काम HTML के ऊपर था, जिनका काम एक्सेल वर्ड के ऊपर था, और उनको ये बिल्कुल डायरेक्ट फायदा हुआ है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस जो थे बिल्कुल ऐसे, ऐसा था कि बिल्कुल थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस आ गया था, ठीक है। यानी कि एक ही चैप्टर के, एक ही टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस डीपली थे, वास्ट थे, क्योंकि कंप्यूटर है, कंप्यूटर का कभी एंडिंग नहीं है। कोई भी बुक पढ़ लो, अगर आपको कभी भी ऐसा माइंड में आ जाए कि ये बुक इनफ है और कंप्यूटर में बिल्कुल मास्टर हो गया, गलत होंगे आप, क्योंकि तो ऐसा कंप्यूटर में नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर का कोई एंडिंग नहीं है, जितना ज़्यादा आप इसको रीड करते जाओगे, ये समुंदर है एक टाइप का, ठीक है, कंप्यूटर। तो किसी भी कंटेंट को आप गाली नहीं दे सकते हैं, यहाँ उसकी बुक्स खराब थी, इसकी सही थी, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, वो चैनल ऐसा करवा रहा था। देखिए, सभी मेहनत करवाते हैं, आपके फायदे के लिए सभी मेहनत करवा रहे थे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस पेपर का जो स्टैंडर्ड था वो अलग था, सिलेबस का स्टैंडर्ड अलग था, क्योंकि बताया कुछ हो रहा था और आया कुछ हो रहा है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को जज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका थोड़ा बहुत भी ठीक हुआ है और इस कट ऑफ में अगर आप अपनी हिस्सेदारी ले रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपका बहुत बढ़िया चांसेस है, क्योंकि आप टाइपिंग की तैयारी करो, ठीक है। क्योंकि इसमें MCA वाले स्टूडेंट्स का भी बेकार पेपर हुआ है, BTech कंप्यूटर साइंस वाले का भी पेपर बेकार हुआ है, ठीक है। तो +2 वालों का भी पेपर कई बार बेकार हुआ है, और कई कईयों का बहुत ही अच्छा हुआ है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 556 की, तो ये पोस्टें थी, 400-500 पोस्टें थी, ठीक है, कंप्यूटर की वेटेज कम थी, और GK में सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहता है, बात याद रखना। फिर भी इसकी कट ऑफ देख लो, तो यहाँ पर तो कंप्यूटर था, लेकिन सिलेबस थी एडवांस लेवल का था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट भी आप लिख सकते हैं कि आप कितना प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आपका कितना मार्क्स जा रहा है आंसर की के हिसाब से, ठीक है। और जो बाकी 2-3 क्वेश्चंस गलत हैं, हम उनको जरूर डिपार्टमेंट तक लेकर जाएंगे आपकी भलाई के लिए, ताकि आपको उससे फ़ायदा मिले, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, नंबर मैंने आपको बता दिया है HPG कैब की टीम का, 9459840992। बाकी और भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, HPO के हैं, YS परमार के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, तो कोई बात नहीं। अब जो सिलेबस आया है, और यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा लेवल रहता है अलग से, तो उसको भी हम आइडेंटिफाई करेंगे, और वो भी पेपर आपका अच्छा होगा, यहाँ पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब किसी ने भी नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव वे में रहना है, जो मेहनत की है वो कभी बर्बाद नहीं जाएगी, अच्छा सोचो, बढ़िया होगा, क्लियर। और टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए भाई, जिनका इस कट ऑफ में नंबर है, फिर बाद में मत बोलना कि
टाइपिंग के लिए टाइम नहीं मिला। भगवान ने आपको टाइम दिया है टाइपिंग करने का, टाइपिंग कर लेना, क्योंकि 18,000 प्लस स्टूडेंट्स की कॉलिंग रहेगी, नंबर आपका पड़ेगा। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका नंबर पड़ने वाला है, जिनको होप नहीं है, लेकिन होप जागेगी ज़रूर, क्योंकि कट ऑफ प्रिडिक्शन कम से कम 50,000 स्टूडेंट्स के ऊपर हुई है ये, ठीक है? तो बिल्कुल सीरियस हो जाओ टाइपिंग के लिए, क्लियर है? और साथ साथ में स्टडी भी करते रहना। फिर भी कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैसेज आप व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी डाउट क्वेश्चंस हेल्प के लिए। तो फिलहाल दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।